क्या देश में बेरोजगारी है, गरीबी, गैर बराबरी? मैं अगर हाँ कहूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि देश विरोधी, सरकार विरोधी, कांग्रेसी, वामपंथी, आपटाड, आरजेडी समर्थक और ना जाने क्या क्या। लेकिन आप इन्हें सुनिए। देश में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यह तो बेरोजगारी है, यह एक हमारे लिए चुनौती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ और एक विषय के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा, वो है आर्थिक असमानता की इनइक्वालिटी। ये है बीजेपी की मदर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होस बोले। लेकिन क्या दत्तात्रेय की तरह सरकार भी ऐसा मानती है? क्या सरकार के पास गरीबी का आंकड़ा है? क्या आरएसएस के सदस्य के ऐसे बयान पर उन्हें भी देश विरोधी कहा जाएगा? गरीबी, बेरोजगारी और गैर बराबरी की सच्चाई से आंख मूंदा जाएगा? तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। बात है साल 2019 की। मौसम चुनावी था, एक थी जनता और एक सरकार, दोनों प्रेम में। जनता प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे किसी और की कोई बात सुनाई ही नहीं देती। इस बीच बेरोजगारी से जुड़ी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO की एक रिपोर्ट सामने आई। ऐसे तो बिना रिपोर्ट के भी सरकार और बेरोजगारी के चर्चे मोहल्ले में हो रहे थे, लेकिन उस रिपोर्ट से कन्फर्म हो गया था कि बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। सरकार ने कहा ये तो ड्राफ्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं। जनता बेचारी अपने प्यार पर अंधा विश्वास कर बैठी। लेकिन चुनावी मौसम खत्म हुआ, शपथ समारोह के बाद सच जनता के सामने आ गया। सरकार ने रिपोर्ट को सही माना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब आते हैं पॉइंट पर। आरएसएस से जुड़ी स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक वेबिनार में दत्तात्रेय ने देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ती आर्थिक असमानता पर चिंता जताई। दत्तात्रेय होस बोले ने कहा, देश में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.2 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1.8 करोड़ बेरोजगार हैं। श्रम बल सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 7.6% आंकी गई है। हमें रोजगार पैदा करने के लिए न केवल अखिल भारतीय योजनाओं की आवश्यकता है, बल्कि स्थानीय योजनाओं की भी आवश्यकता है। अब यह सच है कि भारत में व्यापक बेरोजगारी देखी जा रही है, लेकिन उच्च बेरोजगारी दर के अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब LFPR घट रही है। LFPR मतलब नौकरी की मांग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है, मतलब ना तो नौकरी है ना ही लोगों में नौकरी मिलने की उम्मीद। अब बेरोजगारी से याद आया कि केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 में लोकसभा में बताया था कि साल 2014-15 से 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ से ज्यादा आवेदन आए थे, लेकिन सरकार के अलग अलग विभागों में सिर्फ 7,22,311 लोगों को नौकरी दी गई। जी हाँ, 7 लाख। हालांकि फेस्टिवल सीजन में अच्छी खबर यह है कि सितंबर के महीने में बेरोजगारी दर घटकर 6.43% पर आ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में श्रम भागीदारी बढ़ने से बेरोजगारी दर में कमी आई है। इससे पहले अगस्त महीने में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 8.28% थी। अब आते हैं गरीबी पर। दत्तात्रेय होस बोले से लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनता के गरीब होने की बात कह रहे हैं। नितिन गडकरी ने क्या कहा है, ये आप खुद सुनिए। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे ग्रस्त है। जातीयवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव समाज के लिए हमारे लिए बहुत दुखद भी है और समाज के प्रगति के लिए घातक भी है। नितिन गडकरी ने साफ किया है कि उनका ये भाषण सामाजिक समस्याओं को दूर करने की भावना वाला है। ठीक उसी तरह हम भी देश की तरक्की के लिए उन कमियों को बता रहे हैं जिसे दूर कर हम अपने देश को बेहतर बना सके। वापस आते हैं गरीबी पर। योजना आयोग द्वारा गरीबी के आंकड़े आखिरी बार 2011-12 के लिए जारी किए गए थे। तब देश में गरीबों की संख्या करीब 27 करोड़ या कुल जनसंख्या की 22% के करीब आंकी गई थी। लेकिन 10 साल बाद गरीबी का कोई आधिकारिक अनुमान जारी नहीं किया गया है।
चूंकि सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है, इसलिए माना जाना चाहिए कि इतने लोग गरीब हैं। प्रतिशत आप खुद निकाल लीजिएगा। प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर के नेतृत्व वाली समिति ने गरीबी रेखा को लेकर सुझाव दिए थे। उसी के आधार पर सरकार कहती है कि गांव में अगर कोई हर महीने 816 रुपए और शहर में 1000 रुपए से कम खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा के अंदर रहेगा। इन सब के बाद एक और अहम मुद्दा आता है, गैर बराबरी का, जिसकी बात मैं नहीं बल्कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले कर चुके हैं और साथ ही आंकड़े भी यही कह रहे हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1% लोग देश के करीब 22% इनकम पर काबिज हैं। वहीं भारत के 57% इनकम पर देश के टॉप 10% लोग काबिज हैं और देश की 50% आबादी के पास देश की आय का सिर्फ 13% है। आंकड़े से लेकर सरकार के अपने ही लोग बेरोजगारी और गैर बराबरी पर अब बात कर रहे हैं, तो फिर सरकार बढ़ती बेरोजगारी, असमानता और गरीबी की सच्चाई को क्यों मानती नहीं? अब तो आरएसएस ने भी बोल दिया, अब तो मान लीजिए और कोई ठोस रास्ता निकालिए, नहीं तो हर कोई पूछेगा, जनाब ऐसे कैसे।